हेलो दोस्तों, वेलकम रैबिट्स किचन। हियर इज पंकज सलाथिया। तो आज हम चटपटे मैंगो जैम की रेसिपी बनाने वाले। काफ़ी कमाल की रेसिपी है और काफ़ी जल्दी बन जाए ना, कुछ ऐसी रेसिपी है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ जाके कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए मैंने। कच्चा मैंगो, टमाटो, शुगर, कैश्यू, रीजिन और ड्राई डेट्स, ये सब आपको ले लेने हैं। सबसे पहले उसके बाद आम को अच्छे से साफ कर लेना है, उसके छिलके उतार लेने हैं, उसको छोटे छोटे साइज में काट लेना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने टमाटो लिया, अब इसको काट लेंगे बड़े बड़े साइज में। कुछ इस तरह यहाँ पे मैंने पैन लिया हुआ है, उसमें जो टमाटो काटे थे वो डाल देंगे। आपको हीट को मीडियम में रखना है, ज्यादा हाई नहीं रखना है। उसके बाद इसमें जो मैंगो काटा हुआ है वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें जो ड्राई डेट्स थे उसको अच्छे से काट लिया हुआ है वो डाल लेंगे। और इसमें लगभग आपको 100 ml पानी डालना है। और इसको धीमी आंच में पकने देना है। लगभग 10 मिनट के बाद इसमें चीनी डाल देंगे। जब एकदम ड्राई हो जाएगा इसके अंदर चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चीनी एक बाउल यूज किया हुआ है। कुछ ही टाइम में ये चीनी पिघल जाएगी और एकदम अच्छी सी चाशनी बन जाएगी। और जितना भी वो फ्रूट है ना, जितनी सब्जी है, वो आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएंगी, एकदम जैम बन जाएगा इनका। उसके बाद इसमें कैश्यू डाल देंगे। और साथ में ही किशमिश। इसको बनने में लगभग आपको 30 मिनट लग जाएंगे। लो मीडियम फ्लेम में बनाना है इसको। अगर एकदम ड्राई हो रहा है ना, तो आप हल्का सा इसमें पानी भी डाल सकते हो। 70% यहाँ पे जैम बन चुका हुआ है। मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ इसमें। काफी बढ़िया दिख रहे है और ये टेस्ट में भी कमाल का होता है। जैम तो रेडी हो गया हमारा। अब दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, एक स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगा और इसमें मैं ड्राई रेड चिली डालूंगा। 20 सेकेंड के लिए इसको रोस्ट करूंगा और ये रोस्ट करने के बाद इसको मैं जैम के ऊपर डाल दूंगा। इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा, एकदम तीखा चटपटा। आप इसको जैम भी बोल सकते हो, आप इसको चटनी भी बोल सकते हो, आप इसको प्रिजर्व करके फ्रीजर में रख सकते हो और एक काफ़ी बढ़िया ब्रेड के साथ खाइए, खाने के साथ खाइए। टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया। ऊपर से हल्का सा शुगर पाउडर डाल देंगे। हमारा जैम रेडी है और कमाल की रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। जय हिंद।